आप सभी सभी को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। अगर वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है। और सुबह के बज रहे हैं 8:10, आज है नागपंचमी और आज है सावन का भी सोमवार, तो सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना कमेंट में। तो चलिए इस ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। रेडी हो गई हूँ मैं, घर में जो भी पूजा होती है नागपंचमी के दिन की, आज वो इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। और खाने में आज हम लोग के वहाँ बनता है पूड़ी उड़ी, तो वो सब मैं थोड़ा बहुत शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो जरूर से भी अच्छी लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहले ही बोल दी हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागपंचमी वाले दिन सबसे पहले हमारे वहाँ घर में स्नान ध्यान के बाद गाय के गोबर से बनता है नाग नागिन का जोड़ा दरवाजे पे। और ये जो दो मैं बना रही हूँ, ये मम्मी से मैंने पूछा था, इसको बोलते हैं खड़ाऊँ। आई डोंट नो कि इसकी मीनिंग्स क्या होती है, इसका डिफिनेशन क्या है कि ये क्यों बनता है, मतलब खड़ाऊँ वाला। और ये जो मैं सीढ़ी जैसे बना रही थी, इसका मुझे नहीं पता है। और ये चक्र बनाया जाता है घर के कोने पर। हमारे वहाँ नागपंचमी की पूजा ऐसे ही होती है, आपके वहाँ कैसी होती है आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। और इसके बाद से इस पे ना पीले वाले सिंदूर से लगाते हैं टीका, जितना भी हमने गोबर का बनाया है उन सबों पे लगाते हैं टीका। और फटाफट से इसके बाद से चलते हैं पूजा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो पूजा हम लोग के वहाँ नागपंचमी वाला जो चढ़ता है ना, जो दूध और लावा चढ़ता है, वो हमारे वहाँ कटहल के पत्तों पे चढ़ता है। मेरे घर पे अभी बहुत लोग के वहाँ बहुत अलग अलग तरीक़ों से चढ़ता है, उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे वहाँ जो चढ़ता है जैसे चढ़ता है मैं शेयर कर रही हूँ आपको इस ब्लॉग के थ्रू। तो यहाँ पर ना सात सात कटहल के पत्ते रहते हैं, तो दो जगह रहते हैं, एक जहाँ पर पूजा स्थल रहता है वहाँ पे, और उस रूम से जब निकलते हैं ना तो उसके दरवाजे पे सात पत्ते पे दूध और लावा चढ़ता है, जो कि आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मैं दो जगह, और उसके बाद मैं बताऊं, थोड़ा सा दूध और लावा डाल के हम लोग घर पे जो जेंट्स होते हैं, जो बाहर जाने वाले होते हैं, उनको देते हैं, ताकि वो गाँव में या फिर मंदिर जो होता है हमारे आस पड़ोस में, उस मंदिर पर जाके चढ़ाते हैं दूध लावा। ये प्रक्रिया तो सबके वहाँ होता होगा जहाँ तक मुझे पता है, बट ये ना घर में जैसे चढ़ रहा है, बहुत लोग के वहाँ अलग अलग तरीके से चढ़ता है। तो यहाँ पे मैं पूजा स्थल के पास आ गई थी, यहाँ मैंने सात पत्ते रख दिए, इस पे चढ़ाया मैंने दूध लावा शंकर जी का नाम ले लेके, और भगवान सभी की मुरादें पूरी करी। देखिए पूजा पाठ हमें हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं और हम उसमें भी ब्राह्मण हैं, या फिर ब्राह्मण नहीं भी हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो पूजा के बारे में हमें बहुत चीज़ें डिटेल में सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए, क्योंकि आजकल के जनरेशन के बच्चे को ना ये सब बताना बहुत मुश्किल है, बहुत समझाना मुश्किल। तो हम बस ये कहते हैं कि जो लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं, वो लोग अपने बच्चों को ज़रूर से पूजा वूजा के बारे में तो ज़रूर ही बताएं कि हाँ पूजा पाठ या फिर किसी त्यौहार पे कौन सी पूजा किस रिचुअल के हिसाब से होती है, ये सब सिखानी चाहिए। मैंने ये सब तो अपनी मम्मी को देख देख के सीखा है, और जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं मम्मी से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, मम्मी बता देती है मुझे। तो ये भाई रिकॉर्ड कर रहा था, थोड़ा अच्छा ब्लॉग रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैंने पहले ही उसको बोल दिया था, क्योंकि जब भाई रिकॉर्ड करता है छोटा वाला तो कैमरा बड़ा सेक करता है, लेकिन इस बार मैंने को समझाया था। और फटाफट से मैंने पूजा ये वाली खत्म करी, प्रणाम किया, उसके बाद हम लोग मंदिर में पूजा किए। करके जो उठी ना, कोरियर वाले भैया ने फोन किया, अभी जा रही हूँ अपना कोरियर रिसीव करने। आ जाइए, आ गए 5 बजे भोर से ही, इसीलिए कहाँ कहाँ इतना जल्दी, जल्दी हो जाना है। पास में ही घर है क्या आपका? अच्छा, ये छोटू सा मेरा पार्सल मुझे रिसीव हो गया है, फोन को साइलेंट करने दीजिए आप लोग। छोटू सा मेरा पार्सल मुझे अभी रिसीव हुआ है बहुत अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे। जो कुरियर वाले भैया थे ना, उनसे बोली कि इतने जल्दी कैसे आ गए, तो बोला ना बगलिया में आपके मेरा भी गांव है, इसमें एक कार्ड दिया हुआ है ऐसा, थैंक यू फॉर शॉपिंग
फ्री गिफ्ट करके कुछ है, 5-star रिव्यू देने के लिए बोला गया है। लिखा गया है, यदि आप अपनी खरीदारी से संतुष्ट हैं कृपया हमारे लिए 5-star रेटिंग और फीडबैक दीजिए, थैंक यू, वेलकम। बट आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ। मैंने 2 पेयर ऑर्डर किए थे इयररिंग्स के, देखिए 2 पेयर बहुत प्यारे प्यारे से इयररिंग्स के ऑर्डर किए थे, एक ये है और एक ए वाला है। बट इसके साथ ना लकली मुझे देखिए गिफ्ट में छोटू सा भी इयररिंग मिला है सेम चैन में, बट मैंने गोल्डन किया था लेकिन सिल्वर आया, बट कोई नहीं सिल्वर भी अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ना थैंक यू कार्ड के साथ मुझे इयररिंग छोटा सा रिसीव हुआ है सेम डिजाइन में, और ये जो है ये मैंने पहले ही ऑर्डर किया था जो मेरे ऑर्डर पर आया है, तो बहुत हैप्पी हूँ। खोल के देखती हूँ कैसा है और पहन के भी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये जो कुछ इस तरीके से है, पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो लग रहा है। बहुत लोगों को देख रही थी मैं ऐसे ये वाला पहनते हुए, मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी लूं। देखते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे तो। बट ये अभी इस ड्रेस पे आई थिंक ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन इस ड्रेस पे ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन मैं नया ड्रेस ऑर्डर की हूँ, वो भी आ जाएगा तो फिर इसके साथ, मतलब उसके साथ इसको पहनूंगी। मेरे वहाँ है पूजा 27 तारीख को, तो पूजा में पहनने के लिए मैंने लिया था। कैसा लग रहा है मुझे बताएगा। अभी चलते हैं किचन में, फटाफट से बनाते हैं खाना। पूजा जो मैंने कर लिया है कुछ इस तरीके का है, बहुत लाइट वेट है। मुझे गोल्ड के इयररिंग इतने नहीं पसंद है, गोल्ड है मेरे पास लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता है, जो मज़ा आर्टिफिशियल पहनने में है ना वो गोल्ड पहनने में नहीं आता है, तो मैं आर्टिफिशियल ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि पहनूँ। तो चलिए फटाफट से खाना वाना बनाते हैं, ये तो लगा रहेगा तामझाम, ये तो फैशन है, पेट भरेगा तभी ये भी अच्छा लगेगा। अभी मेरा पार्सल आया था, उसको मैंने खोला, उसको रिव्यू देके मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। ये फटाफट वाला जो है ना, मैंने अभी रिसेंटली सीखा है, कोई भी बात में मुझे फटाफट बोलने की आदत हो गई है, मतलब कि झटपट में जल्दी से फिनिश करना। तो फटाफट आ गई थी मैं किचन में और बनाने लगी थी दाल वाली पूड़ी। हमने गुड़ वाले चावल, मतलब कि रसिया और छोले और क्या बनता है और कुछ मैंने बनाया था, हाँ छोले रसिया दाल वाली पूड़ी सादी पूड़ी और उसके बाद कुछ तो बनाई थी, याद नहीं आ रहा है क्योंकि 2-3 दिन हो गया। तो फटाफट बना ली थी मैं, फटाफट कितना बार बोलती हूँ, और गर्मी इतना जोरों शोरों से था ना कि बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि पूड़ी बनाए हम, लेकिन क्या करें, पेट मुदई खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेट के लिए ही सारा तमाशा है दुनिया में। तो यहाँ पे भाई के लिए खाना भी निकाली थी, क्योंकि ना हमको पूजा करते करते और सब कुछ तामझाम जो है करते करते 11 बज गए थे और भाई को लग गया था बहुत तेज से भूख, तो एक तरफ बना रही थी एक तरफ भाई के लिए निकाल रही थी खाना, और गर्मी से तो हाल बेहाल था। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारा पूड़ी तो नहीं बना पाई थी बट ब्लॉग को एंड करूँगी, और 2 बजे के लगभग में मैंने किया था लंच, 2 पूड़ी था और 4-5 पूड़ी है सादी, बट मैंने इतना खा नहीं पाई थी। मिलते हैं कल नए प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।